दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे एक सोफा जो बनेगा 5 मिनट में, और वो भी सिर्फ हमारी पुरानी गाड़ी के टायर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा खूबसूरत टायर का सोफ़ा जो आज मैं बनाने वाली हूँ। इसको मैं 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आज ऐसा ही एक दूसरा बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कार के 2 टायर्स। सबसे पहले टायर्स को हम बिल्कुल पानी से धो के साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर भरेंगे घर के पुराने बचे हुए कपड़े। जितने भी घर में पुराने कपड़े बचे हुए होते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनको कहाँ रखें, और ऐसे बहुत सारे कपड़े हमारे पास होते हैं जिन्हें हम डोनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फटे पुराने होते हैं। इससे हमारे 2 पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। एक तो इनके लिए जगह मिल जाएगी हमको और घर ऑर्गेनाइज लगेगा, और दूसरा हमको बहुत ही अच्छा सोफ़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अब चाहिए एक कवर। तो कवर के लिए मैंने लिया है अपना पुराना स्कर्ट जो कि बहुत ही स्ट्रेचेबल कपड़ा है और शाइनी है। आप भी स्ट्रेचेबल कपड़ा लें तो बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको ऊपर से इसके एक एंड को बिल्कुल डोरी से बांध के बंद कर दिया है। दूसरा एंड इसका ओपन है और ये बिल्कुल एक कवर जैसा बन जाएगा। जैसे पिलो का कवर पहनाते हैं ना, उसी तरीके से हम इन टायर्स को भी इस कवर के अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर भर रही हूँ ये पुराने फोम के टुकड़े। आप कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हैं, पुराने कपड़े, फोम, मतलब ये मैंने पुराने कुशन बनाए थे इसलिए वो फोम बचा हुआ था। और अब मैंने ये बैग में पुराने कपड़े डाले हुए थे, मैं ये बैग के साथ ही पुराने कपड़े इसमें भर दूंगी, और जो इसके कोने कोने हैं उनमें बिल्कुल ठूस ठूस के ये पुराने कपड़े भर दूंगी ताकि ये बहुत ही टाइटली भर जाए और इसका बैलेंस अच्छा बने, क्योंकि हमने इन दोनों टायर्स को आपस में चिपकाया नहीं है ना, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े भरें, ठूस ठूस के भरें बिल्कुल। अब टाइटली इसको पहनाने के बाद हम पहनाएंगे इस पे कवर। और कवर के दूसरे एंड को बंद करने से पहले मैं इसके ऊपर से एक सॉफ्ट सा कुशन भी डाल दूंगी ताकि बैठने में ये हमको और भी सॉफ्ट लगे, और जब ऊपर से इसमें नॉट बांधेंगे हम तो वो बैठते हुए हमें चुभे ना। तो अब इसे बिल्कुल खींच खींच के टाइटली हम बांध देंगे ताकि ये टायर एक दूसरे के ऊपर से अभी खिसके ना, इसलिए जितना टाइट हो सके हम उतना टाइट खींच खींच के इसको बांध लेंगे। इसको बांधने के लिए मैंने यूज की है एक पतली सी कॉटन की रस्सी। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी एक राउंड कुशन जो मैंने ही बनाया है घर पर ही। तो लीजिए, हमारा टायर सोफा बनके तैयार है, और अब होगी इस सोफे की टेस्टिंग। तो ये सोफ़ा बच्चों के कमरे के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें टूटने फूटने जैसा कुछ भी नहीं है और ख़राब होने जैसा भी कुछ नहीं है। ये मैंने अपने बेटे के कमरे में ही अभी तक रखा हुआ है क्योंकि ये पानी से भी ख़राब नहीं होगा टायर, और अगर मॉपिंग मतलब आप करते हैं सफाई तो गंदा भी हो जाए तो भी आप इसका कवर निकाल के वॉश कर सकते हैं ईजीली। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं तो 2 सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ही पसंद है। ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और कंफर्टेबल भी है। देखिए, तो
तो अगर आपको हम लोगों का वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ दिखाती रहूँ। तब तक के लिए बाय।